नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंडस्ट्री की वो जानी मानी एक्ट्रेस जिन्होंने करियर की शुरुआत मॉडलिंग के जरिए की थी, 1984 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम करने के बाद 1986 में डेब्यू किया। करियर की पहली ही फिल्म फ्लॉप साबित हुई। बीआर चोपड़ा की महाभारत में यही एक्ट्रेस द्रौपदी के रोल के लिए पहली पसंद थी, जिसे बाद में रूपा गांगुली ने निभाया था। साल 1993 में आई फिल्म आईना में जैकी श्रॉफ संग और फिल्म डर में सनी देओल संग नजर आ चुकी वो टैलेंटेड एक्ट्रेस जूही चावला है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1986 में नसीरुद्दीन शाह की फिल्म सल्तनत से की थी। हालांकि उनके करियर की ये पहली ही फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले जूही को एक साउथ के प्रोड्यूसर ने फोटो लेकर बीआर चोपड़ा के पास भेजा था, जब वो महाभारत की कास्ट की तलाश कर रहे थे। जूही चावला ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि बीआर चोपड़ा ने पहली ही नज़र में जूही को द्रौपदी के रोल के लिए साइन कर लिया था, लेकिन उसी वक्त जूही की फिल्म भी रिलीज होने वाली थी। इस फिल्म की वजह से ही जूही को द्रौपदी का रोल छोड़ना पड़ा था। जूही की पहली फिल्म भले ही फ्लॉप साबित रही हो, लेकिन आमिर खान के साथ फिल्म कयामत से कयामत तक में जूही ने अपने रोल से सभी को चौंका दिया था। उनकी ये फिल्म हिट साबित हुई थी। आमिर खान के साथ उनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी पसंद की गई थी। इस फिल्म के बाद जूही ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने हम है राही प्यार के, दीवाना मस्ताना, यस बॉस, लुटेरे, आईना, डर, इश्क जैसी कई फिल्मों में काम किया, जिसके बाद तो उनका नाम इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गया था। फिर एक दौर एक्ट्रेस की लाइफ में ऐसा भी आया जब उनकी फिल्में सिल्वर स्क्रीन पर फ्लॉप साबित होने लगीं। दरअसल साल 1997 में उनसे एक ऐसी गलती हो गई कि देखते ही देखते उनका पूरा करियर डूबने लगा था। कहा जाता है कि यश चोपड़ा की फिल्म दिल तो पागल है रिजेक्ट करने के बाद से ही उनका करियर ठप होने लगा था। आपको बता दूं कि साल 1995 में जूही ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। खुद से 7 साल बड़े बिजनेसमैन जय मेहता संग जूही ने शादी रचा ली थी। इस शादी के बाद उन्हें खूब ताने सुनने पड़े थे। सालों बाद जब एक्ट्रेस ने अपनी शादी का खुलासा किया तो लोगों ने उन्हें खूब ताने मारे थे। किसी ने उनके पति जय को बुढ़ा बताया तो किसी ने जूही को पैसों की लालची बताया कि उन्होंने पैसों के लिए खुद से बड़े और शादीशुदा शख्स से शादी की है। तो दोस्तों कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।